वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे आलू पालक की सब्जी। ये खाने में बड़ी ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना इस टेस्टी सी सब्जी को। इसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल में आलू पालक की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तेल गर्म होने पर इसमें मैं दरदरा पिसा हुआ डाल दूंगी जीरा। जीरा भून जाने पर इसमें मैं डालूंगी प्याज। प्याज को एक बार मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। प्याज को मैं भून लूंगी अच्छी तरह। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। देखिए प्याज को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। प्याज भून जाने पर इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक और लहसुन को हम प्याज के भून जाने के बाद डालेंगे। इससे आलू पालक की सब्जी का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। लहसुन अदरक को मैं इतना ही भूनूंगी कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए अदरक लहसुन भून गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी और हल्दी को भी भून लूंगी। हल्दी भून जाने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप इसमें लाल मिर्च को भी डाल सकते हो। मैंने हरी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च को ही डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्जी का जो कलर है बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर लूंगी इसे अच्छी तरह। अब मैं इसमें डालूंगी रफली चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूंगी। अब टमाटर को मैं ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। 1 से 2 मिनट के बाद देखिए टमाटर जो है अच्छी तरह पक गए हैं। इसको मिक्स कर लूंगी एक बार। अब मैं इसमें दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर डालूंगी। इसको भी मैं मिक्स कर लूंगी। देखिए तड़का हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। आलू को मैंने पील कर अच्छी तरह धो लिया था। तड़के के साथ आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी मैं। अब आलू को मैं हल्की आंच पर ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाऊंगी और आलू को मैं एक बार उलट पलट दूंगी ताकि आलू जो है कढ़ाई के नीचे ना लग जाए। और फिर से इसे ढक्कन लगाकर उसी तरह हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट के बाद एक बार मैं इसको उलट पलट दूंगी और चेक करूंगी कि आलू जो है हमारे पक गए हैं। देखिए आलू जो है तकरीबन पक गए हैं, थोड़े से ही कच्चे हैं। जब हम पालक डालेंगे उसके साथ भी हम इसको पकाएंगे। एक मैंने लाल मिर्च ली है, उसको मैंने बीच में से कट कर लिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। सर्व करते वक्त प्लेट में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए अब मैं इसमें डाल दूंगी पालक। पालक को मैंने अच्छी तरह धो लिया था और इसी तरह से देखिए बारीक जो है काट लिया है। अब इसको मैं डाल दूंगी कढ़ाई में। पालक को कढ़ाई में डालने के बाद तुरंत हम इसमें जो है कड़छी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इससे क्या होता है, जो पालक का कलर है बिल्कुल बरकरार रहता है। देखिए अब ढक्कन लगाऊंगी मैं हल्की आंच पर। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। आप एक बार इस तरीके से सब्जी को बना के देखिएगा, आपकी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनेगी। तो अगर आप जहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए 2 से 3 मिनट होने के बाद ढक्कन उठाऊंगी। देखिए पालक का जो कलर है बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अब मैं इसको एक बार उलट पलट दूंगी और इसे हल्की आंच पर इसी तरह 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। Thank you.
इसे मुझे पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। सब्जी हमारी तैयार है, अब मैं इसको करूंगी सर्व। सर्व करते वक्त मैं इसे चिली फ्लेक्स के साथ देखिए इस तरह से गार्निश कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये हमारी टेस्टी सी आलू पालक की सब्जी बनके तैयार है। आप भी इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.